प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 5 विज्ञान पाठ 2 के प्रश्नोत्तर आप लोगों को समझा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 से 4 आप लोग समझिए और नोट कर लीजिए इन्हें। देखिए आप सभी प्रश्न नंबर 1 से 4 प्रश्न देख लें। जंतुओं को अपने आसपास की जलवायु को अनुकूल करने की आवश्यकता क्यों होती है? और प्रश्न नंबर 2, निवास स्थान से आपका क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 3, जंतुओं को चलने की आवश्यकता क्यों होती है? और प्रश्न नंबर 4, पक्षियों में विशेष संरचना क्या होती है जो इन्हें उड़ने में मदद करती है? आप सभी इनके प्रश्नोत्तर ये देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, जंतुओं को अपने आसपास की जलवायु को अनुकूल करने की आवश्यकता क्यों होती है, इसका आंसर देखें आप लोग। जंतुओं को जीवित रहने एवं अपने आसपास जंतुओं को जीवित रहने एवं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने आसपास की जलवायु को अनुकूल करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद ये देख लीजिए अच्छे से, दूसरा प्रश्न देख लें। निवास स्थान से आपका क्या अभिप्राय है, इसके आंसर को देखें। जहाँ जंतु रहते हैं, खाते हैं, वृद्धि करते हैं और प्रजनन आदि करते हैं, उस स्थान को निवास स्थान कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, जंतुओं को चलने की आवश्यकता क्यों होती है, इसका भी आंसर आप लोग देख लें। जंतुओं को भोजन आश्रय यानी रहने की, आश्रय का मतलब है गृह मकान जो रहते हैं उसकी तलाश एवं जलवायु और शत्रुओं आदि से बचने के लिए चलने की आवश्यकता होती है। तो जंतुओं को भोजन आश्रय की तलाश एवं जलवायु और शत्रुओं से बचने के लिए चलने की आवश्यकता होती है। इसको अच्छे से देख लें आप लोग। जंतुओं को भोजन आश्रय की तलाश एवं जलवायु और शत्रुओं आदि से बचने के लिए चलने की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4, पक्षियों में विशेष संरचना क्या होती है जो उन्हें उड़ने में मदद करती है? तो पक्षियों के मजबूत पंख, मांसपेशियां, खोखली हड्डियां, उनकी नाव जैसी आकृति आदि उन्हें उड़ने में मदद करती हैं। पूंछ दिशा बदलने में मदद करती है, ये आप अच्छे से देख लें। पक्षियों के मजबूत पंख, मांसपेशियां, खोखली हड्डियां, उनकी नाव जैसी आकृति आदि उन्हें उड़ने में मदद करती हैं और पूंछ दिशा बदलने में उनकी मदद करती है। ये प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 4 के आंसर हैं। आज इनको नोट कर लें और लर्न कर लें। अगले वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को बताऊंगा, तो नेक्स्ट डे आप उसको भी देख लीजिए। इससे पहले आपको एक्सरसाइज बता दी गई थी, उसको आप लर्न कर लें और कल 3 प्रश्न और रह गए हैं वो मैं करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।